अभ्यास करके घर जाके सोचना कि सीधे कौन चल रहे, जो टेढ़ा है ना वो सीधा चल रहा है, और जिसको भगवान ने सीधा बनाया ना, जलेबी का गुचला देखा हमने, जलेबी देखी राउंड 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 एंड फुल स्टॉप, तो बोले कि भाई ये सब खाने से मुख में तेज आता है। तो साहब ये मानवीय शरीर के लिए नहीं है। अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणिना देह मासितम प्राणा प्राण समायुक्तम पचानाम्यम चतुर्भुज। ये चतुर्भुज बोलते मैं प्राणी के अंदर जठराग्नि बन के विराजित हूं और सबका पचाने का काम मेरा, हमका चपट चपट खाने का काम हमारा और पचाने का भगवान का। फौरन जाके हमारा मशीन स्टार्ट करता है, डीजल इंजन है तो किसी का 99% डिसीज सर मेंटली है। तो न खाने वाला, आपके पास रोल्स रॉयस गाड़ी है बहुत बढ़िया है बराबर, पेट्रोल से चलती है, आपके यहां मंदिर में से अच्छा घी मिले कि वह शुद्ध गाय का देशी घी है, तो पेट्रोल से घी कीमती है। तो आपको कभी विचार है कि चलो अपनी गाड़ी में घी से अच्छा रहे, क्यों? ये उनसे अच्छा होता है, महंगा भी होता है, मगर हमको पता है कि गाड़ी घी के लिए नहीं बनी है। तो ये हमारी गाड़ी तीन प्रकार का सिस्टम है खाने का, कोई प्राणी को प्राणी, प्राणी को खा के जीता है, मगर वो प्राणी जो जीव जीवा से लपलपा के पानी पीता है ना, वो सभी प्रकार के प्राणी जीवो जीवस्य भोजनम उनकी साइकिल ये है, मगर जो पानी सक्षम करता है चूसता है गाय आदि जो सक्षम करते हैं वो तृणचर है, कच्चा अनाज और घास फूस खाते हैं, और हमको तगारे में पानी दिया जाए तो हम न तो चूसते हैं न तो जीभ लग पाते हैं, हम पीते हैं। तो हम न तो घास फूस खा सकते हैं, न तो कच्चा धन खा सकते हैं, और न तो प्राणी, हमारे लिए पकाया हुआ अनाज और पका हुआ फल। तो मुख पे प्रसन्नता लानी है तो आचार्य तुलसी ने कहा कि राम के काज किया करो, यदि राम के काज न करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, समय संजोग के अधीन न कर सके तो प्रभु से प्रार्थना करें, मगर राम का छोड़ दे। तो यहां तुलसी ने उपदेश दिया कि जो राम का काज करते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता होती है और तन में शरीर में तेज होता है। मिले सकल अति भय सुखारी तलपत मीन पांव जीवी बारी, जैसे पानी के बगैर मछली तड़फड़ती है और पानी मिल जाता है, वैसे सब बंदरों को हनुमान जी को पाकर जान आ गई। चले हर्ष रघुनायक पासा, प्रभु के पास गए, पूछत कहत नवल इतिहास, आपने वहां जाके क्या किया, क्या हुआ वहां, कैसा है, और यहां हम लोग तो आपकी प्रतीक्षा में परेशान हो गए। तब अंगद मधुबन, तब मधुबन भीतर सब आए, तब बंदर में सब मधुबन के अंदर आए, अंगद संबत मधुबन खाए। अभी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक सीता को नहीं ढूंढेंगे तब तक ये मधुबन के फल नहीं खाएंगे, सीता की सुध नहीं मिलेगी तब तक ये फल हम नहीं खाएंगे, मगर यहां अंगद के साथ सब लोगों ने फल खाना शुरू किया। रखवारे जब गर्जन लागे, उसके रक्षक चौकीदार आए तो चौकीदार को मारा, दृष्टि प्रहार अनंत सब भागे, सबको भगाया गया। और आचार्य तुलसी कहे कि जाई पुकारे थे सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु का, जो न होती सीता सुधि पाई मधुबन के फल सकई दिखाई, एहि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाज,
आई सबनी नावा पदती मिले उस सबनी अति प्रेम कपीसा पूछे कुशल कुशल पद देखी राम कृपा बा काज बिसे नाथ काज किन है वो हनुमान राखे सकल कपिन के प्राण सुनि सुप्ति व बहुरी ते मिले उ कपिन सहित रघुपति पै चले उ राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हर्ष विशेषा फटिक शिला बैठे दो बाई परे सकल कपि चरण निपाई मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ तब हनुमान जी की कथा सुंदरकांड पे सुनने का अवसर नहीं मिलता कितना प्रयास करें क्या कथा है मैं खुद खो जाता हूँ कई बार भावुक हो जाता हूँ तो मजा और आप जैसे सुख के श्रोता होते मजे हुए श्रोता होते तो मजा आता है वो बोलते हैं सामने वाला समझता है हनुमान जी महाराज ने अंगद के साथ फल खाए रक्षक को मारा हड़बड़ाहट मच गई सुग्रीव ने सुना ये लोग तो फल खा रहे हैं तो प्रतिज्ञा थी कि जब तक सीता की शोध नहीं कर पाएंगे तब तक फल नहीं खाएंगे ये तो फल खा रहे हैं समझो हमारा काम हो आनंदित हुए जाए पुकारे थे सब वन उजार जुबराज सुनी सुग्रीव हर्ष कपी कपी का आवाज सुनी किलकिलाहट सुनी फल खाते हुए दिखा तो उनको लगा कि काम सिद्ध हो गया हनुमान जी महाराज कर आए प्रभु का कार्य संपन्न हुआ जो न होती सीता सुधी पाई जो सीता की सुधी नहीं पाई होती सीता की सगड़ नहीं मिली होती सीता का कोई क्लू नहीं मिला होता तो कभी भी ये बानर फल नहीं खाते मधुबन के फल सब ही खाए यही विधि मन विचार कर राजा आई गए कभी ऐसा विचार राजा सुग्रीव कर रहा था पूरा हनुमान जी के साथ अंगद जी के साथ पूरा बांदर का समाज आ गया आई सबनी नावा पद सीसा राजा को प्रणाम किया मिले सबनी अति प्रेम कपीसा प्रत्येक कपी से मिले कुशल पद देखी राम कृपा भाव काजी हनुमान जी को कुशल देखकर राजी हुए और अभी कहने लगे जामवंत जी ने कहा हे राजा हे स्वामी नाथ काज किन है वो हनुमाना राखे सकल कबीर के प्राण जामवंत जी कहते कि हे राजा हनुमान जी ने जो काम कर दिया सब बंदरों को बचा लिया सुनि सुग्रीव बहुरी ते मिलू कपिन सहित रघुपति पहि चलेउ हनुमान जी सुधी पाए तो जल्दी जल्दी हनुमान जी का हाथ पकड़ा चलो उसको राम के पास ले जाओ क्रेडिट लेना है राम जी को बता दे कि माँ की सुधी मिल गई और राम जी ने देखा हनुमान जी आ गए राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हर्ष विशेष हनुमान जी महाराज ने देखा कि कपि आ रहा है तो हनुमान राम जी के हृदय में हरक हुए विशेष हर्षित हुए और स्फटिक जैसे शिला के ऊपर पत्थर के ऊपर दोनों भाई बैठे थे फटिक शिला बैठे दो भाई पर सकल कपि चरण निजा हनुमान जी महाराज सहित सभी बंदरों ने प्रभु राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करुणा पूछे कुशल नाथ अब कुशल देखी पद तंज जामवंत कह सुन रघुराज
जापर नाथ करो तुम दाया, काही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई भी गए भी नहीं गुण सागर, सासु जग त्रैलोक्य उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काज, जन्म हमार सफल बार, नाथ पवन सुत किन्हि जो करनी, सहसौ मुख न जाइ सोई बरनी, पवन तनय ते चरित सुहाए, जाम बंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, तुमि हनुमान हरषि हिय लाए, कहो तात के ही भांति जानती, रहति करति रक्षा सुखानती, मंगल पवन दशरथ अजर बिहारी, मंगल पवन अमंगल जपत निरंतर शंभु पवन। हनुमान जी महाराज आते हुए देखा प्रभु राम जी प्रसन्न प्रीति सहित बैठे, सब ने एक दूसरे की कुशलता पूछी, राम जी को कुशल देखकर हनुमान जी राजी, हनुमान जी को कुशल देखकर प्रभु राम जी राजी। अब जामवन से रहा नहीं किया तो प्रभु हे स्वामी आज हनुमान जी ने जो काम कर दिया है उसका क्या बात करें, हे प्रभु सुनिए, जामवंत का सुनो रघुराय। मगर ये कपि ने इतना सब कर दिया क्यों न करे अद्भुत छोपा, जापर नाथ करहु तुम दाय, जिसके ऊपर प्रभु की दया हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु की दया होती है तो क्या होता है, प्रभु की कृपा होती है तो क्या होता है। जामवन जी कहते हैं ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, वो कुशल रहता है साहब, उसको कष्ट भी आता है, उसको रोग नहीं होता, उसको व्याधि नहीं होती, निरंतर कुशलता में कुछ 21-22 हो जाए समझो ईश्वर की दया दृष्टि थोड़ी कम हुई, ईश्वरी कार्य शुरू करो। जब तक ईश्वर की दया है हमारी कुशलता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, जिसके ऊपर प्रभु की दया होती है उसके ऊपर सुर नर और मुनि प्रसन्न होते हैं। प्रभु की दया होती है तो देवता अनुकूल होते हैं, मुनि अनुकूल होते हैं, गुरु अनुकूल होते हैं, और नर यानी कि अपने अगल बगल वाले, अपना स्टाफ, अपने सपरिचित सुपरिचित मित्र स्नेही स्वजन जो भी हमको मिलता है वो सब नर, वो हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं या तो बिगाड़ पाते नहीं। ये कब होता है, प्रभु की दया होती है, प्रभु की कृपा होती है। और जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है सोई भी जई बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। हे प्रभु तेरी कृपा जिस पर होती है वो कभी पराजित हो ही नहीं सकता, किसी भी धंधे में हाथ डालो कोई भी व्यवसाय करो आपको पराजय नहीं मिलेगा विजय ही होगा, क्योंकि कृपा है, जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सबको। आपने कोई भी धंधा पकड़ लिया, कोई भी व्यवसाय कर लिया, कुछ भी अपने पराक्रम कर लिया, अगर राम की कृपा होती है तो
तो आपको विजयी स्त्री का वरदान मिल जाता है, आप विजयी होते हैं। सोई विजयी और विनयी गुण सागर, जिसके ऊपर राम की कृपा होती है वो विनयवान होता है, वो आचकला क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, छेल बटाओ, छिछरा नहीं होता, जिसके ऊपर राम की कृपा होती है विमल हो जाता है। राम की और गुरु की कृपा होती है तो पता कैसे चलता है कि भाई उसके ऊपर गुरु की कृपा है, राम की कृपा है, वो पता कैसे चलता है? तो उसकी भाषा देख लो, उसका बोलने का ढंग कैसा है। कई बार हम जाते हैं यात्रा करते हैं तो हमारे सामने कोई परिचारक आते हैं, सेवक आते हैं, सर्वेंट आते हैं, इतना मीठा मीठा बोलते हैं, स्माइल करके बोलते हैं, 10 बार बेल बजाओ तो भी आते हैं, बोलते हैं कितना मधुर बोलते हैं। अपने विमान में जाइए तो आपकी सेवा में जो हो वो कितने मधुर बोलते हैं।